बैगन फ्राई बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो बैगन को काट लिया इस तरीके से पतला पतला सा। मैं इसमें नमक डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी, मिक्स करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। मैं बैगन फ्राई का बैटर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून आटा लिया है। मैं बैटर में 2 टेबल स्पून सूजी डाल दूंगी। मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके बैटर बना लूँगी। जो बहुत गाढ़ा भी नहीं हो और पतला भी नहीं हो। ये बैंगन फ्राई का बैटर बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इस तरीके का ही चाहिए हमें, इतना गाढ़ा। तो जो और गाढ़ा हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा और पानी डाल लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बनाना है इस तरीके का। नमक लगा के हमने रखा था बैगन को इस तरीके से पतला पतला काट के। मैंने इसका पानी निकाल लिया है, पानी छोड़ दिया था नमक, और अब मैं इसे बैटर में डिप करूँगी। मैं बैगन को इस तरीके से बैटर में डिप कर लूँगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया है। मैंने फ्लेम को लो कर लिया है गर्म करने के बाद से ऑयल को, और मैं इसमें बैटर में बैगन को डिप करके डाल दूँगी। अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक कि एक साइड से ये कुरकुरा नहीं हो जाता है, टाइट हो जाएगा, फिर मैं इसे पलटूंगी। मैंने बैगन फ्राई को ऑयल में डाल के ऐसे ही छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। जब तक ये एक साइड से कुरकुरा नहीं हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं हो जाएगा एक साइड से, जब तक मैं इसे नहीं पलटूंगी। ये वन साइड से क्रिस्पी हो चुका है, अब हम इसे पलटेंगे। जब तक वन साइड से ये क्रिस्पी नहीं हो जाए, जब तक नहीं इसको पलटना है। ऐसे अब दूसरे साइड से लो फ्लेम पे मैं ऐसे ही पकाऊंगी, क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। मैं लो फ्लेम पे इसको दूसरे साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे साइड से जब ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी हो जाए, फिर मैं इसे निकालूंगी। ऐसे ही क्रिस्पी होने तक लो फ्लेम पे उस साइड से भी फ्राई कर लूंगी। ये दूसरे साइड से भी क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे।
बहुत ही क्रिस्पी बैगन फ्राई बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है और ये देर तक भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगा। अगर जिस तरह से मैंने फ्राई किया इस तरह आप फ्राई करेंगे तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं बैगन फ्राई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।